मध्य प्रदेश के गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा बंगाल में बीजेपी के 57 सीटों के प्रभारी भी हैं। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर ममता सरकार पर हमला बोला है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आराम अगर चाहो तो आओ राम की तरफ, फंदे में अगर चाहो फंसना तो आओ दाम की तरफ, खुशियां चाहो जीवन में तो आओ फूल की तरफ, गलती से भी नहीं जाना तृणमूल की तरफ। दरअसल आज पश्चिम बंगाल में हो रहे विधानसभा चुनाव के बीच मध्य प्रदेश के गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पांडेश्वर विधानसभा पहुंचे थे, जहां विशाल रैली को संबोधित करते हुए नरोत्तम मिश्रा ने टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता ममता दीदी को अच्छे से जान गई है, माफिया साथियों के साथ मिलकर बंगाल को कंगाल करने वाली ममता दीदी के लिए विकास का मतलब है उनके भतीजे को आर्थिक विकास। आपको बता दें कि आसनसोल पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया गया। इस मौके पर पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। मोदी जी के आने के बाद से अगर पाकिस्तान से गोली आती है तो हिंदुस्तान से गोला जाता है, गोला और सफाया करके आ जाता है पाकिस्तान। ये परिवर्तन इस देश के अंदर लेके आए, लेकिन ये ममता बनर्जी सेना पर सवाल, 370 कश्मीर से हटाई तो 370 पर सवाल, 35 से हटाया तो 35 से पर सवाल। हमने अगर मध्य हिंदुस्तान के अंदर सीए का कानून लेके आए तो इन्होंने सीए पश्चिम बंगाल का लागू नहीं होने दिया। पहली सरकार बनते ही पश्चिम बंगाल के अंदर सीए का कानून लागू किया जाएगा दोस्तों, सीए का कानून। ये ममता बनर्जी जी ने कोल माफिया, बालू माफिया, दारू माफिया, इस प्रदेश के अंदर माफियाओं की सरकार चल रही है, इस माफियाओं के खिलाफ मतदान करने का समय आ गया है मेरे मित्रों, 26 तारीख का।